अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स और मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, कल्चरल और टूरिज्म से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो आज मैंने सोचा है कि क्यों ना आज एक करंट टॉपिक पे बात की जाए। आज हम जाएंगे लाहौर अनारकली बाज़ार और वहाँ पर लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, इमरान खान को रहना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि मुझे इस वीडियो पर 50 शेयर्स, 100 कमेंट्स और 500 लाइक्स चाहिए। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शुक्रिया। इमरान खान को फ़िलहाल जाना चाहिए। इमरान साहब को जाना चाहिए। बेटा उसको ही रहना चाहिए, ये सब चोर हैं, इनको जाना चाहिए। दफा होना चाहिए, दूर होना चाहिए, भाग जाना चाहिए इसको, पाकिस्तान में इसको उल्टा लटकाना चाहिए, उन्हें दुनिया से ही चले जाना चाहिए। बेटा जिन्होंने उसको रखना है वो रखना ही नहीं, अब चाह रहे तो उसको जाना ही पड़ना है, अब जाना चाहिए। इमरान खान को चले जाना चाहिए। इमरान खान को जाना चाहिए। इमरान खान को जाना चाहिए, जितनी लाइट भेज रहा है, इस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, आई थिंक सो जाना चाहिए, रहना चाहिए। ओ बेटी अल्लाह का शुक्र है वो चले गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी हैप्पी। मेरी तरफ से ये है कि खान एक खरा और सच्चा लीडर है, बिल्कुल रहना चाहिए जी, बिल्कुल बहुत बहादुर लीडर है ये हमारा। ठीक है, अभी तो जो हालात है उसको रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना टाइम गुजार दिया है, 1.5 साल पीछे रह गया, और अगर वो चला गया तो मजीद हालात ख़राब होने से बेहतर है कि उसको रहना चाहिए अभी। इमरान खान तो जाना चाहिए बेटा, मेरा ख्याल है अभी जो रह गए और 1 साल उसको रहने दें, वह जाना भी बेहतर था, पीछे 1-2 साल में अगर महंगाई ख़त्म कर देता तो उस यहाँ तक नौबत ना आती, अब लोग आक चुके हैं। ठीक है बेटा, कोई भी रहे बस आवाम के लिए अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए बेटा, कोई भी रहे लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, रहना चाहिए, रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान को रहना चाहिए, चले जाना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए, चले जाना चाहिए, दफा आ जाए इमरान खान यहाँ से, नहीं अपने घर जाए, इसने कुछ नहीं किया है, नहीं रहना चाहिए उसका, रहना चाहिए। इमरान खान को चले जाना चाहिए, रहना चाहिए, इन लुटेरों के लिए उसको रहना चाहिए जी, उनको चले जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीदुल रहमान गोशी है। अच्छा, मैं छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि इमरान खान को रहना चाहिए, चले ही जाना चाहिए? इमरान खान को फौरन चले जाना चाहिए बेटे, ये कारोबारी लाज इतने ख़राब हो गए हैं कि लोगों को बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, इतने डोन हालात हैं इस टाइम के, हम चाहते हैं तारीफ जितने भी हैं, हम चाहते हैं कि इज्जत से वो चले जाएं ताकि मुल्क के लिए बेहतर को आ जाए। नहीं रहना चाहिए, क्यों चले जाना चाहिए? चले जाना चाहिए, 4 साल हो गए उसे, महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से जो उनसे ना उसे जाना चाहिए। इमरान खान को रहना चाहिए, 5 साल उसको पूरे करने चाहिए। इमरान खान को रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। मैं दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करीम हमें बेहतरीन हुक्मरान अता फरमा, खा वो इमरान खान की सूरत में हो, खा वो किसी दूसरी पार्टी की सूरत में हो, चला जाना चाहिए। रहना चाहिए। इमरान खान के अलावा आपके पास चॉइस क्या है? इमरान खान, इमरान खान ही चॉइस है बेटे, सबसे बेहतर चॉइस ही पाकिस्तान के पास इमरान खान की है, बाकी तो सारे सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक ही लीडर है आपके पास, चले जाना चाहिए। एक मिनट से पहले उनको फारग कर देना चाहिए, एक मिनट से पहले। अच्छा, रहना चाहिए, रहना चाहिए था, लेकिन हम बदबख्त लोग हैं, ऐसा लीडर सदियों बाद लोग पैदा होते हैं, ढूंढोगे कहीं मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। रहना चाहिए बेटा, इमरान खान जैसा तो आदमी नहीं है पाकिस्तान में, ये चोर डाकू हैं बकाया जितने भी हैं, भगोड़ा बार भागा हुआ है बेटे, इनको वोट नहीं देना चाहिए, ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये इन्होंने फौज को गाली दी है, ये बहुत बदशर्म आदमी है, उसकी बेटी झूठ से झूठ बोल रही है, कहती है मेरे साथ कोई, मेरे यहाँ पाकिस्तान में क्या बाहर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे पास, अब सब कुछ निकल रहा है। बेटा इमरान खान को रहना चाहिए, सच्चा लीडर जो है ना आपको पहली दफ़ा मिला है, अगर कोई कहे ना कि सच्चा लीडर जो कहते हैं, जिसको हम दिल से गवाही देंगे कि इमरान खान को रहना चाहिए, ये चोर नवाज शरीफ, जरदारी और ये फजल रहमान, ये सब चोर हैं, चला जाना चाहिए। इमरान खान को रहना चाहिए, चले जाना चाहिए, रहना चाहिए बिल्कुल बेटा, मुबलतन आदमी है ये, तो सारे गिरदार मिले हुए हैं, 70 साल से लूट रहे हैं कौम को, अभी भी इनका दिल नहीं भरा। इमरान खान को रहना चाहिए भाई, हमारी राय ये है कि उसे चले जाना चाहिए।
बिल्कुल चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। हम तो कहते हैं रहना चाहिए उसको, रहना चाहिए। क्योंकि लोग उसको सब बुरा भला कह रहे हैं लेकिन वो बुरा नहीं है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एस्मोक उमुद्दीन बेकरी पर, जो पाकिस्तान की बहुत पुरानी बेकरी है। तो आए मैंने यहाँ पे, मेरे अंकल है, मेरे दोस्त हैं, आए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चले, आप भी अपनी राय बता दें, इमरान खान को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? रहना चाहिए, रहना चाहिए। प्रोग्रेसिव पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान को रहना चाहिए, चले जाना चाहिए? महंगाई तो बहुत हो गई है, ख़ास तौर पे मैं तो यही कहूँगी कि जो गरीब आवाम है उनके लिए कम से कम आटा, दालें और चावल, खाने पीने का सामान कम से कम रमज़ान में बहुत सस्ता हो जाना चाहिए, ताकि गरीब आवाम जो है वो खा सके, कम से कम खाना तो खा सके। जो उसकी हरकतें हैं महंगाई की, तो उसे चले ही जाना चाहिए, रहना चाहिए बेटे इसको, रहना चाहिए, रहना चाहिए। बात तो बेटा आपने ऐसा सवाल किया है कि इस वक्त तो सारी आवाम ही उसके ख़िलाफ़ हुई हुई है। सबसे पहले तो इस कदर महंगाई हो गई है, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, सब परेशान है। तो सभी ये चाह रहे हैं, अभी हम सब लोग बैठे हुए यही जिक्र कर रहे हैं कि इसको जाना चाहिए। इमरान खान साहब को अब तो हुकूमत ही बताएगी अगली जो आएगी, हम क्या कह सकते हैं उस बारे में। आपकी क्या राय है, रहना चाहिए चले जाना? वैसे महंगाई तो बहुत हुई हुई है उनकी वजह से, तो वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उन्हें जाना चाहिए, रहना चाहिए उसको, रहना चाहिए जी, रहना चाहिए। मेरा ख्याल अब जाना चाहिए, बड़ी हो गई है, हो गया, बहुत हो गया। वो इमरान खान को नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं सच्ची बात है, चले जाना चाहिए। चार साल में क्या किया उसने, वैसे कुछ भी नहीं किया उसने, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए जी, बिल्कुल रहना चाहिए। मुल्क के लिए एक नंबर है वो, एक नंबर है। हमारी राय है कि ये इमरान खान पठान के लिए नहीं है कि हम पठान है या वो, ये पूरे पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद को रहना चाहिए मुल्क में ना, ये सारा 70 सालों से मुल्क लूटा गया है। नहीं नहीं नहीं, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना, हाँ रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए उसको, रहना चाहिए जी। इमरान खान को तो वैसे रहना चाहिए, इन्होंने जो किया बड़ा गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं रहना चाहिए, नहीं बहुत महंगाई, क्यों नहीं रहना चाहिए जी, क्यों नहीं रहना चाहिए, महंगाई थोड़ी की थी उन्हें, माड़े बंदे रोटी खाना मजबूर होया। इमरान खान को रहना चाहिए, रहना चाहिए जी, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका हक ही नहीं बनता रहने का, जितना उसने हमें परेशान किया है उसका हक यही कि खुद ही छोड़ के चला जाए। कदर नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कोई वजह नलायक वज़ीर-ए-आज़म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद मुस्तफ़ा है। अच्छा अंकल, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान को रहना चाहिए या फिर नहीं? इमरान खान की नीयत भी अच्छी थी, काम भी अच्छे कर रहा था, रहना तो उसको चाहिए था, और मेरा ख्याल है इस तरह का लीडर दोबारा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। देखिए मैं तो बेटा ये कहूँगा कि पाकिस्तान को रहना चाहिए बस। इमरान, कई इमरान आएंगे, कई जरदारी आएंगे, कई नवाज शरीफ आएंगे, हमें पाकिस्तान चाहिए बस। उसके लिए हमें किसी बंदे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम नहीं समझते कि सिर्फ ये है तो पाकिस्तान है, नहीं, पाकिस्तान है तो ऐसे कई इमरान हैं, ऐसे कई नवाज शरीफ हैं, ऐसे कई जरदारी हैं, हमारे से निकलेंगे, इन्हीं सड़कों से निकलेंगे, इन्हीं शहरों से निकलेंगे, इसी गाँव से निकलेंगे। ये हमें ख़ानदानी सियासत या ये पॉलिटिक्स इनकी जो है ना, हमें नहीं चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान चाहिए बस। खुदा रहा हमारे पाकिस्तान को जीने दें, हमें जीने दें, अपनी ये लड़ाई पे पाकिस्तान को ना घसीटें बस। बेटा इमरान खान को ज़रूर रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद है, इमरान खान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है, इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम लिया है। बल्कि मैं आपसे भी कहूँगा, आप नन्ही मुन्नी हो, छोटी सी हो, मेरी बेटी हो, आप भी दुआ करें इमरान खान को, इमरान खान रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू, थैंक यू बेटा।